हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है बेसिक फिंगर स्टाइल लेसन का पार्ट नंबर 3। ये है फाइनल लेसन इस बेसिक फिंगर स्टाइल लेसन सीरीज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको बेसिक नहीं पता फिंगर स्टाइल का, तो उस पर मैंने 2 वीडियोस बना रखी हैं, उसके लिंक मिल जाएंगे आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को स्टेप बाय स्टेप देखिए, फिर ये पार्ट 3 की वीडियो को देखिए। तो चलिए फटाफट इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। इस लेसन को मैंने 2 राउंड्स में डिवाइड किया है, तो जो पहला राउंड है वो देखते हैं। अब इसमें आप ए माइनर कॉर्ड से शुरू करेंगे, तो ए माइनर कॉर्ड में आपने पकड़नी है 5th, 3rd और 2nd स्ट्रिंग, और एक साथ प्ले करेंगे। पहले आप इसको कुछ इस तरह, उसके बाद एक चक आएगा, तो कुछ इस तरह आएगा ये। तो फर्स्ट काउंट आपने प्ले करना है, सेकंड काउंट पे चक आएगा, थर्ड काउंट पे फिर से प्ले करना है, और फिर फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिंग इंडिविजुअली प्ले करेंगे, तो कुछ इस तरह आएगा पूरा अरेंजमेंट। अब सेकंड कॉर्ड जो है वो होगा एफ मेजर। अब इसमें लेकिन आपको पूरा एफ मेजर नहीं पकड़ना एग्जैक्टली, इसमें आपको फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन रखनी है। तो टेक्निकली ये हो गया एफ मेजर 7, और जो थंब है वो आएगा 6th स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट पे। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा, अगर आप इसको कर सके तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें थंब यहीं पे आएगा, ये बार कॉर्ड की तरह नहीं पकड़ सकते, क्योंकि फिर फर्स्ट स्ट्रिंग भी प्रेस हो जाएगी और हमें फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन चाहिए। तो ये एग्जैक्टली एफ मेजर जैसे ही, लेकिन फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन है और थंब जो है 6th स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट पे है। तो इसमें आप प्ले करेंगे 6th, 3rd और 2nd स्ट्रिंग। इसमें जो रिदम पैटर्न है वो एकदम सेम रहेगा जैसा कि ए माइनर में था, बस इसमें 5th की जगह पर आप 6th स्ट्रिंग प्ले करेंगे, और नीचे का पार्ट एकदम सेम है, रिदम का सीक्वेंस भी एग्जैक्टली सेम है। तो इस पे कुछ इस तरह आएगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉर्ड जो है वो होगा सी मेजर। अब सी मेजर में आपने सेम रिदम पैटर्न प्ले करना है जो कि ए माइनर में था, और स्ट्रिंग्स भी वही है, इसमें वापस 5th स्ट्रिंग पर आ जाएंगे, तो इस पे कुछ इस तरह साउंड करेगा। अब जो नेक्स्ट कॉर्ड होगा इस सीक्वेंस में वो होगा ई माइनर। अब अगर आप चाहे तो पूरा ई माइनर पकड़ सकते हैं, इसमें वैसे 5th स्ट्रिंग की कोई जरूरत नहीं है, तो खाली 4th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट भी आप पकड़ सकते हैं, उससे भी काम बन जाएगा, लेकिन यहाँ रिदम पैटर्न जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इसमें आप प्ले करोगे 6th, 4th, 3rd और 2nd स्ट्रिंग एक साथ। तो इसमें फर्स्ट काउंट पे आप 6th, 4th, 3rd, 2nd को एक साथ प्ले करेंगे, सेकंड काउंट पे चक करेंगे, थर्ड काउंट में आप सिर्फ प्ले करेंगे 4th, 3rd और 2nd स्ट्रिंग, और फोर्थ काउंट में आप प्ले करेंगे 6th स्ट्रिंग ओपन। तो ये कुछ इस तरह साउंड करेगा। तो 1, 2, 3, 4, उसके बाद आप प्ले करेंगे 1st, 2nd और 3rd स्ट्रिंग इंडिविजुअली, और जो 6th स्ट्रिंग है उसको बजने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया फर्स्ट राउंड। अब सेकंड राउंड की बात करते हैं। तो सेकंड राउंड में भी ए माइनर से ही शुरू होगा, लेकिन फिर चेंज हो जाएगा सेकंड कॉर्ड से। तो इसमें भी सेम रिदम पैटर्न रहेगा जैसे कि फर्स्ट राउंड में था। अब आप इसमें सेकंड कॉर्ड जो पकड़ेंगे वो सी होगा। फर्स्ट राउंड में जैसे हमने एफ पकड़ा था, इसमें सीधा सी मेजर पकड़ेंगे ए माइनर के बाद। तो ए माइनर पे आपने प्ले करा, फिर सी मेजर पकड़ेंगे, और सेम रिदम पैटर्न, वही 5th, 3rd और 2nd स्ट्रिंग एक साथ पकड़नी है, और इस तरह कुछ आएगा। अब सी को आप 2 फ्रेट राइट शिफ्ट कर दीजिए। तो सी जैसे 1st, 2nd और 3rd फ्रेट में है, तो इसको ले आइए 3rd, 4th और 5th फ्रेट में। इसमें जो रिदम पैटर्न है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो आप वापस सी मेजर कॉर्ड पे आ जाएंगे, और इसमें से फर्स्ट फिंगर हटा लेंगे, तो ये बन जाएगा सी मेजर 7 कॉर्ड। इसमें स्ट्रिंग्स तो सेम प्ले होंगी, लेकिन रिदम पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इसमें आपको 5th, 3rd, 2nd को एक साथ प्ले करना है, चक देना है, वापस 5th, 3rd और 2nd को एक साथ प्ले करेंगे, और फिर आप पकड़ेंगे ए सस्पेंडेड 2, और उसमें प्ले करेंगे 5th, 4th और 3rd सिर्फ एक बार। तो ये कुछ इस तरह आएगा। तो फर्स्ट राउंड कुछ इस तरह आएगा। अब सेकेंड राउंड देखते हैं कैसे आएगा। तो
आज का ये फिंगर स्टाइल लेसन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं तो वो भी कमेंट करिए, मैं जरूर आंसर करूंगा। अगर आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ उस बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। बाय।